हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके योजना पर। एक बार फिर आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, केंद्र सरकार के अधीन आने वाले तमाम बेरोजगार युवाओं को केंद्र सरकार एक बड़ी सौगात देने जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ SSC सिलेक्शन पोस्ट फेस 9 2021 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे छात्र छात्राओं के लिए बेहद ही खुशखबरी वाली बात है। मैं आपको बता दूं कि SSC ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप भी SSC सिलेक्शन पोस्ट 9 फेज 2021 के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी आपको दी जाएगी, जैसे टोटल वैकेंसी कितनी है, अंतिम तिथि क्या रखी गई है, शुरू होने की तिथि क्या है, योग्यता और दस्तावेज क्या मांगे गए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और भी व्यक्ति इस योजना के बारे में जान सके और लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपके लेकर चलते हैं वीडियो के नोटिफिकेशन पर। दोस्तों, SSC सिलेक्शन पोस्ट 9वें फेज 2021 और जो इसकी वैकेंसी है दोस्तों, वो 3200 प्लस पदों पर निकाली गई हैं। ऑनलाइन कर सकते हैं आप आवेदन, और जो इसकी आयु सीमा है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वो बताएंगे कितनी रखी गई है, और इसकी अंतिम तिथि मैं आपको बता दूं दोस्तों, 25/10/2021 इसकी अंतिम तिथि है, और क्या दस्तावेज मांगे गए हैं, इन सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। अब दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पोस्ट सिलेक्शन के तहत आयोग ने 3261 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इन पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के 271 विभागों में तैनाती दी जाएगी। आधिकारिक सूचना के मुताबिक इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया बीते दिन यानी कि 24 सितंबर 2021 से शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं निशान लगा देता हूँ, इसकी ये वाली वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, और किस तरह से आप आवेदन करेंगे इस ये हम जानकारी आपको आगे बताएंगे वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आवेदन करने से पहले जो भी फॉर्म में गड़बड़ी हुई है उसको ये गड़बड़ी ना हो, इस वजह से आप सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा और अच्छे से फॉर्म भरिएगा, ताकि कोई भी गड़बड़ी पाई जाने पर आयोग फॉर्म रिजेक्ट आपका ना कर दे, इसलिए अच्छे से फॉर्म भरें ताकि कोई गड़बड़ी ना पाए। दोस्तों, अब तिथियों के बारे में बात कर लेते हैं। जो मेन तिथि इसमें दी गई है, ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि रखी गई है दोस्तों, वो 24 सितंबर 2021 रखी गई है, और आने वाले ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है दोस्तों, वो 25 अक्टूबर 2021 रखी गई है। यहाँ तक आप अंतिम तिथि इसकी है, यहाँ तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि दोस्तों, ऑनलाइन भुगतान शुल्क करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है, वो 28 अक्टूबर 2021 रखी गई है। यहाँ तक कि आप ऑनलाइन शुल्क दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन चलान जनरेट करने की अंतिम तिथि दोस्तों, अगर जैसे आप बैंक में जाते हैं ऑफलाइन चलान भरने के लिए, अपनी फ़ीस सबमिट करने के लिए, तो दोस्तों उसकी जो उसकी अंतिम तिथि वो 28 अक्टूबर 2021 रखी गई है। चालान की माध्यम से भुगतान की अंतिम तिथि बैंक के कार्य समय के दौरान 1 नवंबर 2021 तक है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथियाँ 1 फरवरी 2022 हैं। और दोस्तों, अब इसके दस्तावेज के बारे में बात कर लेते हैं, क्या दस्तावेज मांगे गए हैं। सबसे पहले दोस्तों, 10वीं मार्कशीट मांगी गई है, और फिर इसमें इंटरमीडिएट की मार्कशीट मांगी गई है, आधार कार्ड आपका मांगा है, मूल निवास जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का मूल निवास होना चाहिए, वो इसमें मांगा गया है। साथ ही अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड भी अपने साथ ले जा सकते हैं, और ग्रेजुएशन मार्कशीट, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, इन सभी दस्तावेज की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। इन सभी दस्तावेज में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपके पास ये सभी दस्तावेज हैं, और पैन कार्ड अगर ना हो तो फिर भी चलेगा दोस्तों, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप ये ऐसा दस्तावेज मांगे जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस, अब दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अभ्यर्थियों को बतौर आवेदन शुल्क 100 रुपये देना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको 100 रुपये देना होगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन भीम UPI
नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का उपयोग करके भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा BSI, जी हाँ दोस्तों, SBI की एक शाखाओं में SBI चालान जनरेट करके किया जा सकता है। महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, दिव्यांग व्यक्तियों को PWD और आरक्षण के पात्र पूर्व सैनिकों EMS ESM के संबंधित उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। जी हाँ दोस्तों, वहीं इस भर्ती के से जुड़ी ज़्यादा जानकारी उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले उसका लाभ उठा सके। अब दोस्तों, आपसे चाहते हैं इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।